असम में बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में लगातार बरसात से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई जिलों में रेल, सड़कें, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, लैंडस्लाइड की वजह से भी बुरा हाल है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक लैंडस्लाइड से पहाड़ी जिला डिमाहासाओ और राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। डिमाहासाओ जिले का हाफलोंग स्टेशन पूरी तरह पानी में डूब गया। बाढ़ में डूबे इस स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे बाढ़ के पानी के बहाव से स्टेशन पर खड़ी ट्रेन भी पटरी से पलट गई। राज्य में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लोगों को राहत देने के लिए कई जिलों में 55 राहत शिविर लगाए गए हैं। NDRF, SDRF और सेना के जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्यों में जुटे हैं। सरकारें चाहे बदलती रहें, लेकिन असम में हर साल बाढ़ की भयावहता कम नहीं होती। ऐसे में सवाल ये है कि असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? इसके लिए असम की भौगोलिक स्थिति काफ़ी कुछ जिम्मेदार है। असम का उत्तरी हिस्सा भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, जो कि पहाड़ी इलाके हैं। पूर्वी हिस्सा नागालैंड से, पश्चिमी हिस्सा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से, और दक्षिणी हिस्सा त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से मिलता है। असम पूरी तरह से नदी घाटी पर ही बसा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 56,194 वर्ग किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है और बाकी 22,244 वर्ग किलोमीटर बराक नदी घाटी में है। हर साल बाढ़ की वजह से असम को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। असम में तिब्बत से निकलने वाली कई नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर जाती हैं, जो बाढ़ लाती हैं। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी छोटी बड़ी कुल 35 सहायक नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश से जब ये नदियां असम में प्रवेश करती हैं, तो पहाड़ी इलाके से सीधे मैदानी इलाके में आ जाती हैं, जिसकी वजह से तबाही ज़्यादा होती है। हर साल चीन, भूटान, नेपाल और पड़ोसी राज्यों से छोड़े गए पानी से असम में बने तटबंध टूट जाते हैं, और इसकी वजह से भी पानी रिहायशी इलाकों में भर जाता है। ज़्यादातर उन्हीं लोगों की जान जाती है जो नदियों के काफ़ी करीब रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी में तिब्बत के ग्लेशियरों के पिघलने और उसके तुरंत बाद मानसून सीजन शुरू होने की वजह से भी ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों का पानी काफ़ी तेज़ गति से असम के मैदानी इलाकों में पहुंचता है। असम में तबाही के लिए कुछ नदियां जिम्मेदार हैं। सांगपो, लोहित और सुबनसिरी नदियां तिब्बत से निकलती हैं। ऊपरी हिस्से में सांगपो के नाम वाली नदी अरुणाचल प्रदेश के जरिए जब भारत में घुसती है, तो इसका नाम सियांग नदी हो जाता है। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में आती है और 200 किलोमीटर की दूरी तय करके सियांग में मिल जाती है। सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में आती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश में ही सियांग से मिल जाती है। सियांग और दिबांग की मिली हुई जो धारा असम में जाती है, उसे ही ब्रह्मपुत्र कहते हैं। कामेंग, डिक्रांग और डिहिंग नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से निकलती हैं, असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। मानस नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और भूटान से होती हुई असम आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। धनसिरी नदी नागालैंड से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। बराक नदी मणिपुर से निकलती है और नागालैंड होते हुए असम आती है। एनवायरमेंटलिस्ट अरूप कुमार दत्त ने अपनी पुस्तक द ब्रह्मपुत्र में लिखा है कि पहाड़ियों से आने वाला पानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ा देता है। यही वजह है कि असम में सालाना बाढ़ की समस्या गंभीर हो रही है। इसके अलावा बाढ़ की समस्या के लिए मानवीय गलतियां भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। आबादी बढ़ी तो लोग नदियों के पास बस्तियां बसाने लगे, जंगल काटे जाने लगे,
सरकार को ऐसे में चाहिए कि वो नदियों के करीब स्थायी निर्माण की इजाज़त ना दे। असम के जो इलाके हर साल सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनको संवेदनशील की श्रेणी में रखकर वहाँ अलग और कारगर उपाय करने चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हर साल आने वाली बाढ़ और उससे जुड़े जान माल के नुकसान के भयावह मंजर असम की नियति ही बन जाएं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और देश और दुनिया की खबरों को देखने सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।